हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं आपका दोस्त और होस्ट गोल्डन कुमार आपके अपने इस चैनल आई एस में मैं आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों ये रही मेरे बारे में जानकारी आप इसमें देख सकते हैं मैं कौन हूं और मेरा इस पेज को फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को चलाने का पर्पज़ क्या है आपके सामने है और आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे और इस ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सिंचाई एवं बहुपि सॉरी सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे इरिगेशन एवं एंड मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट तो बिल्कुल चैन टॉपिक है हम लोगों का कल हम लोगों ने देखा हुआ था वाटरफॉल देख लिया था और उसी किससे संबंधित क्योंकि वाटरफॉल है कई जगह कई जगह नदियां हैं कई जगह पहाड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक जो को रिलेटिव स्टडी होना चाहिए हम लोगों का बिल्कुल हो, सिस्टमेटिक ढंग में चल रहा है क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो मेरे साथ आप बने रहिए और चीज़ों को देखते रहिए कि सिंचाई के भारत में कौन कौन से साधन हैं इसका प्रभाव क्या है साधन क्या है इसके और, और फाइनली बहुदेशीय परियोजनाएँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमेशा इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो भारत की नदी जोड़ो परियोजना है उसको भी हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ बने रहिए रेगुलर आप स्टडी करते रहिए आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा तो आइए देखते हैं अब सिंचाई की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं आवश्यकता क्यों ये तो नॉर्मल जो इंसान है उसको भी पता है कि आवश्यकता क्यों सिंचाई की आवश्यकता हमें किस लिए है ताकि मानसून की जो भारतीय अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो भारत की जल जलवायु मानसूनी जलवायु है और इस मानसूनी जलवायु की अनिश्चितता बनी रहती है कई बार मानसून आने में लेट हो जाता है तो कभी कभी अलीनों का प्रभाव भी भारतीय मानसून को काफ़ी कमजोर कर देता है और उसके बाद से भारत की जो भौगोलिक अवस्था है भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो एक समान नहीं है कि सब पश्चिमी घाट की तरफ हो सब मध्य भारत की तरफ हो आप राजस्थान के क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ अरावली पर्वत पूरी तरीके से मानसून को एक तरीके से बंद कर देता है बैन कर देता है वहाँ बारिश हो ही नहीं पाती है ऑलरेडी हाई प्रेशर बना रहता है तब वहाँ के लोग अब किसके भरोसे रहेंगे वर्षा के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें अल्टरनेट ऑप्शन अपनाना पड़ेगा और वहीं अल्टरनेट ऑप्शन अपनाने के लिए वे लोग सिंचाई पे जोड़ करते हैं तो ये जो सिंचाई की सुविधा है भारत में हर जगह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई हमें देता ही है क्योंकि भारत में समान वर्षा का अभाव है और इसी समान वर्षा के अभाव को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में तरह तरह के नहरों के द्वारा नलकूपों के द्वारा अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नलकूपों की सिंचाई में नंबर वन आता है क्यों वहाँ इतनी सारी नदियाँ हैं इतनी सारी नदियाँ होने के बाद भी कारण एक ही है भौगोलिक अवस्था इतना बड़ा क्षेत्र है नदियाँ बही है मैदानी भाग है ठीक है लेकिन जहाँ पे जिन फसलों पे उन नदियों का पानी नहीं जाता है वहाँ पे तो उन किसानों को अल्टरनेट अपनाना ही पड़ेगा नलकूप के द्वारा पंप सेट के द्वारा तो ये सारी सुविधाएं हैं जो सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करते हैं और इसीलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है अभी हम लोग बात कर रहे थे भौगोलिक अवस्थाएँ की अब इस भौगोलिक सुविधा की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अगर भारत को आप बाँटेंगे ठीक है समझ लीजिएगा इतना से तो भारत का ये उत्तरी भारत आ जाएगा बीच का जो है मध्यवर्ती भारत आ जाएगा नीचे का अगर ये प्रायदीपीय भारत आ रहा है तो भौगोलिक अंतर ज़रूर यहाँ हम लोग दिखाई देगा और इसी भौगोलिक अंतर के कारण वर्षा का भी असमान वितरण है और जहाँ वर्षा का असमान वितरण है वहाँ पे अल्टरनेट जो दोबारा किनारे से जो सुविधा होना चाहिए दूसरा जो विकल्प होना चाहिए वे लोगों ने अपनाया हुआ है तो देख सकते हैं उत्तर भारत में क्या है नदियों का विकल्प है नदियों का उत्तर भारत में पूरा जाल है चाहे आप गोदावरी नदी देख लें सॉरी गंगा नदी देख लें चाहे ब्रह्मपुत्र नदी, दे, ले, नदी देख लें यमुना नदी देख लें और इनकी सहायक नदियाँ जो है पूरी उत्तर भारत को देखिए गंगा आ रहा है फिर यहाँ से यमुना मिल जाएगा सहायक नदियाँ दाएं बाएं से भी इतनी ज़्यादा अधिक मिल जाती है यहाँ पे। अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप लोग देखेंगे कि नदियों का अभाव है और नदियों का अभाव होने के साथ साथ वहाँ पे नदी भी तो खोद के निकला नहीं जा सकता है उन पठारी भूमियों में आप दक्षिण भारत के क्षेत्र को देखेंगे तो पुरानी संरचना से निर्मित यहाँ पे कायांत्रित चट्टान अग्नेय चट्टान संरचना का यहाँ रूप देखता है और इन संरचनाओं पे नहरें खोदना आसान नहीं होगा पहाड़ी संरचना है पठारी संरचना है बिल्कुल रॉक जो चट्टानी जो संरचना है वहाँ का जमा हुआ भाग है और यही कारण है कि दक्षिण भारत में तालाब और झीलों का प्रयोग सबसे अधिक होता है सिंचाई कार्यों के लिए क्योंकि उन जगहों पे पानी की स्थिति बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है तो ये है आपका भौगोलिक सुविधा के अनुसार अब सिंचाई के प्रभाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर सिंचाई के लिए हम चाहे नहरें खोद रहे हैं या खेतों में पानी की उपलब्धता करा रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ लाभ ही होना यही अंतर है अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को आप समझिए कि अगर किसी भी चीज़ का लाभ होता है तो उसकी हानि भी होती है हम लोग दोनों चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं अब सिंचाई के प्रभाव में सबसे पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं अब इस लाभ में बताया जा रहा है लाभ में बताया जा रहा है कि वर्षा देखिए पहला तो है वर्षा अगर सिंचाई के प्रभाव में मानसून की कमी हो जाती है वर्षा रेगुलर मात्रा में नहीं रहेगी तो अगर सिंचाई के हमारे पास साधन है तो उससे क्या रहेंगे हम निश्चिंत रहेंगे सुरक्षित रहेंगे कि चलो मानसून पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और जब मानसून पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं तो कहीं न कहीं इन्हीं सिंचाई के साधनों से अब खेत खेतों में जो पानी जा रहा है अधिकतर मात्रा में जा रहा है भरपूर मात्रा में उसे मिल रहा है इसके वजह से उपज भी बढ़ जाएगा कृषि क्षेत्र बंजर भूमि को जोतना आसान रहेगा और भूमिगत जल स्तर भी अधिक हो जाएगा आप लोग दो चो आप लोगों ने दो चीज़ पढ़ा होगा पारगम्यता और सार धर्रता ठीक है तो इन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है जो भूमि में जो जल जाता है उस जल के माध्यम से धीरे 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 कहाँ होता है रिसाव होता है और रिसाव होके वो जल नीचे भी जाता है और जो पेड़ पौधे हैं कैपलरी प्रोसेस के जरिए वे उसे ऊपर भी लाते हैं अपना भोजन बनाने के लिए तो इस तरीके की एक, एक, एक चैन की प्रक्रिया चलती रहती है अनेक फसल फसल चक्र प्रणाली हम लोग अपना सकते हैं अगर सिंचाई का साधन हो तो अकाल से रक्षा हो सकता है अभी भी भारत में इतना अनाज होने के बाद भी अभी भी कितने करोड़ लोग भूखे से मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिंचाई के साधन की हमें बहुत ज़्यादा नीड है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अकाल से रक्षा होगी खाद समस्याएं भी कम हो जाएगी विशेष फसलों के रूप में जैसे कपास हो गया गन्ना हो गया जिसे हम लोग नकदी फसल बोलते हैं इन नकदी फसलों के लिए पानी की जो मात्रा होती है गन्ना को देख लीजिए गन्ना पूरे तरीके से पानी के लिए इसको बहुत अधिक मात्रा में देना होता है और एक साल तक जो चलने वाला यह फ़सल है पानी का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के किसानों के लिए गन्ना का कितना इनकम का जो एक पर प्रमुख स्रोत है ये किसी से छिपा नहीं है और ये जब सारी गतिविधियाँ होगी तो सरकार को भी लाभ होगा अब सरकार सरकार को किसे लाभ होगा सरकार को जो लाभ होगा माल गुजारी के माध्यम से लाभ होगा सरकार को माल गुजारी मिलेगी अगर किसानों की इनकम बढ़ेगी तो वस्तुएं ख़रीदेंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे इंपोर्ट जो सॉरी जो एक्सपोर्ट की जो भारत की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं कृषि वस्तुएं हैं बाहर अधिक भेजा जाने लगेगा तो कुल मिला के कई प्रकार से कितने कई एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे सिंचाई का साधन है अब इस सिंचाई के साधन में जो भी है यहाँ पे उससे हमें फ़ायदा ही फायदा हो रहा है और अगर हम यहाँ हानियों की बात करें तो छार का फैल जाना किसी भी मिट्टी में लंबे समय तक पानी जमा हो जाना उसका मतलब कि वहाँ पे जो मिट्टी की जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी फिर बढ़ जाएगी फिर ठीक है चार आप लोगों ने सुना होगा ना इसमें मान होता है जीरो से सेवन पॉइंट फाइव ठीक है आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं अभी जो चला हुआ है बहुत सारा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम भी चलाया गया है कि मिट्टी को क्या करना है समय समय से चेक कराते रहना है तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रयास किया ही जा रहा है मिट्टी का उपयोग भी कम हो जाता है अब नदियों में देखिए नदियों में मिट्टी का अप्रदान सबसे अधिक होता है और उन्हीं नदियों में जो मिट्टी की जो मात्रा होती है उस नदी को भरते चला जाता है और ख़ासकर वही नदी के पानी अगर खेतों में आ रहा है तो खेतों में भी एक लंबे समय के बाद एक परत दर बैठते चला जाता है जो सिल्क वाली जो सिल्ट वाली मिट्टी होती है और बेजान खासकर पहले से जो खेत में मौजूद मृदा की जो अवस्थिति है उसको कमजोर बना देती है सिंचाई के साधनों में पानी का भी अव्यय होता है अभी लातूर की हालत महाराष्ट्र में पिछले साल किसी से छिपी नहीं थी किस तरीके से रेलवे टैंकरों में वहाँ पानी भरा जा रहा था बुंदेलखंड का भी वही हाल है तो पानी का अपव्यय भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है और नहरें टूटने से हानि होती हैं अभी कोई हमने सिंचाई के माध्यम से लिए बड़ी बड़ी नहरों से क्या किए हमने सॉरी बड़ी बड़ी नदियों से हमने अगर नहरें निकाल दी तो जब नहरें टूटती है जिसे कोसी डैम वहाँ भी सिंचाई के साधनों के लिए बहुत सारी नहरों को निकाला गया है जितने भी ये बहुउद्देशीय पर परियोजनाएँ चलाए गए हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे डैम बनाया गया है वहाँ से नहरें ही निकाला गया है और यहीं जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो नहरों में भी क़्यामत आ जाती है लड़ाई झगड़े से हानि होती है अभी कावेरी नदी को लेके जो विवाद चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक में ये क्या है एक लड़ाई झगड़े का ही तो क्या है चीज़ है ये और किसके लिए हो रहा है सिंचाई के लिए हो रहा है, है। बीमारियों का प्रकोप भी है लंबे समय तक अगर जहाँ पानी फैला रहे आप छोड़ दीजिए स्वाभाविक है खासकर जहाँ पे बाढ़ वगैरह से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं अभी केरला में जो बाढ़ आया हुआ था अब बाढ़ आ, आ गया तबाही कर दिया इतना ही अगर हो जाए तो आदमी मैनेजमेंट कर लेगा उससे जो बहुत सारे उत्पन्न रोग जनित कीटाणु विषाणु अनेक प्रकार के बीमारियों का घर बनाता है कहीं ना कहीं वो पानी का जमाव ही होता है तो इन सब चीज़ों को आप जब भी लिखिए समझिए जरूर यूज़ कीजिए अच्छा प्रभाव डालेगा आपके इंसर राइटिंग में अब सिंचाई के साधन की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो राज्यों में देखिए बहुत तरह का सिंचाई का साधन अपनाया जाता है और बहुत तरह में क्या है यही तीन चार जो हैं सबसे प्रमुख हैं और जो भी राज्य हैं जो भी हमारे भारत के उनतीस राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में कहीं ना कहीं इन सारी सुविधाओं को अपनाया ही जाता है जैसे कुएँ नलकूप तालाब नहरें। मैंने एक देखिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है पाई चार्ट के माध्यम से कि अभी भी भारत की स्थिति ऐसी है कि फिफ्टी सिक्स परसेंट हंड्रेड परसेंट में से फिफ्टी सिक्स परसेंट जो सिंचाई का जो साधन है वो क्या है कुएं और नलकूप होते हैं कुएँ नलकूप पंप सेट ये सारी चीज़ें जो लगाया जाता है बत्तीस परसेंट जो कहा जा रहा है यहाँ पे थर्टी टू परसेंट नहरों से होती है और सिक्स परसेंट तालाबों से होती है अब तालाबों का दायरा सिकुड़ भी रहा है भू जल स्तर गिरने से तालाब में जो पानी क्या हो रहा है लंबे समय तक रुक नहीं पा रहा है नीचे गिर रहा है और अन्य साधन भी अपनाया जा रहा है ठीक है अब अन्य साधन में आप लोग जो भी अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि के लिए फ़ायदेमंद है उसको आप ले सकते हैं तो यही था हमारा सिंचाई सिंचाई के लिए एक बेसिक धीरे धीरे देखिए अचानक अब मैं डैम पढ़ाने लगूँ तो थोड़ा सा समझाने मज़ा नहीं आएगा कॉन्सेप्ट नहीं बनता है ठीक है रटना नहीं है आप लोगों को अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बहुद्देशीय परियोजनाएँ अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है बहुउद्देशीय मतलब जो भी परियोजना चलाया गया है चाहे आप भाखड़ा डैम ले लें दामोदर घाटी परियोजना ले लें फरक्का डैम ले लें रिहंद परियोजना को ले लें सारी की सारी परियोजनाओं का जो उद्देश्य है एक उद्देश्य नहीं होता है कि हम इसको रोक लें और इससे हम लोग सिंचाई ही करें अगर हम लोग यहाँ उद्देश्य की बातें करें तो मैंने एक एक उद्देश्य को सिंचाई तथा भूमि का उपयोग ताकि जो भी जहाँ पे डैम बनाया जाए अब सपोज कीजिए कि अगर डैम बना हुआ है तो डैम बनने से उसके नीचे की जो भूमि है जो पहले पानी से क्या था लबालब था भरा होता था अब में सिंचाई तथा भूमि का प्रयोग हो सकता है विद्युत उत्पादन किया जा सकता है जितने भी डैम बने हुए हैं यही चीज़ है कि एक तीर से यहाँ दो निशाना नहीं है यहाँ दस दस निशाना यहां लगा हुआ है एक काम करें हम लोग उससे अनेक फ़ायदा उठाएं। बाढ़ नियंत्रण में फ़ायदा है रोगों का रोकथाम के लिए फ़ायदा है कोसी नदी में डैम बनने के बाद ये हाल है डैम नहीं बना होता तो सोचिए क्या हाल होता जल परिवहन की भी व्यवस्था है जो हम लोग बोलते हैं एक तरीके से अंत जलमर्गीय मार्ग की योजना जो भी है जैसे कि आपको अलाहाबाद से हल्दिया ठीक है चलाया गया है गंगा नदी में गोदावरी नदी में ब्रह्मपुत्रा नदी में इसमें अंतस्थलीय अंतस्थलीय जर मार्ग के जरिए व्यापार होता ही होता है अंतस्थलीय मार्ग और इसमें जो हमारा परिवहन कॉस्ट है जो हमारा वस्तुएं भेजने की जो लागत है जल में कम पड़ता है आसान है ले जाना ठीक है जब भी आप ले जाइए देखिए स्थल होता है ठीक है स्थल में आप मान मान लीजिए कि आपको आ जाएगा जो भी यातायात के साधन है यातायात में आप ट्रेन को छोड़ दीजिए दूसरे में ट्रेन आ जाएगा ट्रेन में कुछ सस्ता पड़ेगा एयर में जो फ्लाइट है सबसे कॉस्टली हो जाएगा सबसे जो सस्ता होता है वस्तुओं को भेजने का वो जल में ही होता है ठीक है जल में जो जो भी इंजन लगा होता है वो वहाँ पे उसकी खींचने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है पानी में वेटेज कम हो जाता है फिजिक्स का नियम है यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं अब नेक्स्ट कहा जा रहा है घरेलू और औद्योगिक उपयोग घरेलू औद्योगिक उपयोग आप जल परिवहन में इसको भी जोड़ सकते हैं जो भी नदियाँ है देख ही रहे हैं आज के समय में सीवेज को कहाँ डाल दिया गया है कहीं ना कहीं डाला जा रहा है कि नहीं यह डाला रहा है अभी यमुना में डाला जा रहा है गंगा में डाला जा रहा है और यहीं यमुना और गंगा में बहुत सारा डैम बना गया है औद्योगिक उपयोग इसका पानियों के लिए किया जा रहा है कृत्रिम जलाशय भी बनाया जा रहा है सबसे बेहतरीन एग्जाम है रिहंद सागर में जो गोविंद सागर बनाया गया है वहाँ पे और एक और गोविंद सागर है भाखड़ा नंगल जहाँ डैम बनाया गया है वहाँ पे भी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है पानी को इकट्ठा करने के लिए तो वे लोग सेफ रहते हैं वृक्षारोपण ईंधन वन का संरक्षण अब जो नदियाँ बह रही थी यहाँ वहाँ दाएँ बाएँ फैल रही थी वृक्षों का कटाव कर रही थी ईंधन की कमी महसूस हो रही थी तो कहीं ना कहीं इनका निदान करने के लिए यह रहा है कि अगर हम लोग डैम बना देंगे तो कुछ क्षेत्रों को जरूर ही नुकसान होगा लेकिन अधिक से अधिक क्षेत्रों को नुकसान नहीं होगा इसका संरक्षण भी होगा और वन संरक्षण के रूप में हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है भूमि अपरदन कटाव की जो मात्रा है कक, किस में कमी आएगी जल की सुविधा है हमें मिलते रहेगी लेकिन बहुउद्देशीय परिजन परियोजनाओं को लागू करना क्रियान्वित करना जितना हम अभी आप लोगों ने इसके उद्देश्य देखे फ़ायदे देखे ये फायदे हैं ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान नहीं है क्योंकि जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाया जाता है तो बहुत सारे भूमि को अधिग्रहण करके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा दलदली भूमि हो जाएगा वेटलैंड तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर किसी भी आप चीज़ को अपनाते हैं तो उसके आप दो पक्षों को हमेशा ले चलिए एक सकारात्मक पक्ष दूसरा नकारात्मक पक्ष ठीक है इतने सारे फ़ायदे हैं बहुत जैसी परियोजनाओं के लेकिन अभी भी बहुत सारे बांध बन रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे उन बांधों को कि अभी भी एक डिबेट की स्थिति जो जनजातियों के अधिकारों के लेके जो उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के अधिकारों को लेके कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा इसका लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डैम बनाने से पहले उन क्षेत्र के लोगों को निर्वासित किया जाता है माइग्रेट किया जाता है प्रवसन करा दिया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक भूमि को हमें अधिग्रहण करना पड़ेगा सरकार यही करती है ठीक है तो अगर हम लोग इसकी प्रकार के बारे देखें तो प्रकार में देख लीजिए लघु सिंचाई पर परियोजना है अब इस लघु सिंचाई परियोजना में क्या है नाम ही है लघु छोटा छोटा सिंचाई परियोजना देखें यहाँ पे जैसे कुआं हो गया नलकूप तालाब पंप सेट ठीक है सब पता है नॉर्मल चीज़ है दो लोगों से बहुत लोग वाफ़ी वाकिफ नहीं होंगे ड्रीप और स्प्रिंकल ये इजराइली पद्धति है इजराइल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ बारिश एकदम कम होती है वहाँ भूमध्य सागर ये जलवायु के प्रभाव में रहता है ठंडा में थोड़ा बहुत बारिश हो जाए बहुत है तो इस ड्रीप सिंचाई का उपयोग करके ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या है कि पानी वेस्ट नहीं करना और जो पौधे हैं यहाँ देखिए ठीक है जहाँ पौधे हैं पौधे की सिर्फ जड़ों पे क्या करना पानी डालना तो ये अलग ही टेक्नोलॉजी है जैसे गन्ना है गन्ना अगर आप देखेंगे यहाँ रोपा गया है यहाँ रोपा गया है इसके बीच की दूरी कुछ होती ही होती है चाहे वो आधा मीटर हो एक मीटर हो इतना होता ही होता है आप लोग देख सकते हैं और इसमें क्या होगा कि अब हम लोग जो सिंचाई के जो साधन को अपनाते हैं सीधे हम लोग क्या करते हैं पानी इसमें डाल देते हैं और सीधे पानी डालने से होता क्या है कि पानी का अपव्यय होता है वेस्ट होने लगता है वहीं है ना कि अगर जड़ में डालने से अगर हमें पूरा वहीं रिजल्ट मिलता है तो पूरा हमें इतना पानी वेस्ट करने का क्या मतलब है तो यही ड्रिप आपका ड्रिप सिंचाई है यहाँ पे ठीक है ड्रिप सिंचाई करके जड़ों में सिर्फ पानी डाला जाता है स्प्रिंकल में भी वही प्रोसेस है लेकिन कुछ इसका डिफ्रेंशिएट है कि स्प्रिंकल में आपको फुहारा के माध्यम से जैसे कि बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों को छीट छीटा जाता है इसी विधि से स्प्रिंकल विधि से आपको इसमें इजराइली पद्धति के अनुसार अगर देखा जाए तो यह इसे लगा देते हैं ठीक है एक एक रो में लगा देते हैं खेतों के जो मीडिया होती हैं इसी में किनारे किनारे लगा देते हैं और इसमें एकदम फुहारा जो पानी का जो वेस्ट होगा सिर्फ़ और सिर्फ इसमें उनके जड़ों तक जाएगा तनों तक जाएगा ठीक है ना जो भी उनको फ्रेश रखेगा तरो ताज़ा रखेगा तो सबसे पहले ड्रिप का लोग प्रयोग करेंगे जब फसल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो स्प्रिंकल का लोग प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे मध्यम सिंचाई भी यहाँ पे देख सकते हैं नहरी सिंचाई जो भी नहरी सिंचाई होती है मध्यम सिंचाई में आती है और ये जो मध्यम सिंचाई है किसके अंतर्गत आ रही है बृहत सिंचाई के अंतर्गत आ रही है क्योंकि ये जो बृहद सिंचाई है यहीं पर क्या किया जा रहा है बांध बनाया जा रहा है बड़े बड़े डैम बना दिया यहाँ पे सपोज मानिए कि यहाँ पे फराका डैम बना लिया अब इस फराका डैम से कितने नदियों को चारों तरफ क्या किया गया है निकाला गया है छोटी बड़ी जो नदियों को निकाला गया है तो जो मध्यम सिंचाई है ये बृहद सिंचाई का ही क्या है रूप है तो यही सारी है अब सिंचाई और बहुद्देशीय परियोजनाओं को देख लिया हमने अब भारत सरकार के द्वारा किन किन राज्यों में कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है उसको हम लोग बेहद ही विस्तार तरीके से हम लोग देखेंगे रटने की कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे साथ बने रहिए अब यहाँ पे दे, दे, देखिए आज अब पहला कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब होते जो पांच नदियां हैं यहाँ पे एक झेलम भी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है ध्यान रखिएगा आप लोग ऊपर है तो यहाँ पे जो भी झेलम है चेनाब है राबी है ब्यास है सतलज नदी है यहाँ पे सब गई हुई है और इन्हीं नदियों पे कुछ बा, बांधों को बनाया गया है जिसे हम लोग देख लिख रहे हैं हम लोगों ने जब नदियाँ पढ़ रहा था तो इसको मैंने चर्चा भी किया था तो भाखड़ा नंगल परियोजना अब भाखड़ा नंगल पर परियोजना को शुरू करने से पहले एक बार मैं इसका आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ देखिए आप लोग यही है यह भाखड़ा नंगल परियोजना और इस भाखड़ा परियोजना जो नंगल को कहाँ मनाया गया है सतलज नदी पे देखिए यहाँ पे यही सतलज नदी है जो राक्षस ताल से निकल के जो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलते हुए आ रही है और भाखड़ा नंगल कितने लोग कन्फ्यूज रहते हैं भाखड़ा नंगल दो बांध है ठीक है भाखड़ा पहले है उसके बाद नंगल आता है देख सकते हैं आप तो यहाँ पे भाखड़ा और सबसे पहले भाखड़ा डैम को लगाया गया है उसके बाद नंगल डैम को लगाया गया है ठीक है और इसके बाद से जो बना हुआ है बहुत बड़ा जो गोविंद सागर कृत्रिम जो लेक है उसी को क्या किया गया है बनाया गया है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा फिर आप नीचे आएंगे तो रोपड़ मिल जाएगा लेकिन यहाँ डैम बनाने के बाद देखिए इसकी कितनी सखाई निकली हुई है देख रहे हैं आप लोग पूरी सखाई जो पंजाब हरियाणा को राजस्थान के क्षेत्रों को क्या कर रहा है सिंचित कर रहा है पूरी देखिए आप सब क्या है अपवाह क्षेत्र है सब लोग इससे क्या हो रहे हैं लाभान्वित हो रहे हैं और यही कारण है कि पंजाब में हरित क्रांति हरियाणा में जो हरित क्रांति है जो फसलों के लिए चलाया गया इतना क्या हुआ अच्छा हुआ बेहतरीन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उम्मीद है अब कन्फ्यूजन की स्थिति आप लोगों को नहीं बनेगी देखिए डायग्राम जो हमारा बार बार मैं बोलता हूँ कॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है तो आप ध्यान से देखिए इन सब चीज़ों को वापस आते हैं अब भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करें तो सतलज नदी पे क्या किया गया इसे बनाया गया है और एशिया का जो सेकेंड सबसे ऊंचा बांध है ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध लंबा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, ऊंचा, उच्चा, ऊंचाई की दृष्टि से इसकी ऊंचाई क्या है बहुत अधिक यहाँ पे हमें दिखाई देती है ऊंचाई की बात अगर करेंगे तो लगभग लगभग लग दो मीटर देख लीजिए दो मीटर की ऊँचाई कोई छोटी नहीं होती है और यहीं पे जो गोविंद सागर मैंने नाम भी लिखा है जो गोविंद सागर क्या था लेक था हम लोगों ने देखा हुआ था तो जस्ट एक दो गिलास पीछे कैसा लेक था कृत्रिम लेक था और इसका जो फायदा मिल रहा है पंजाब के लोगों को भी मिल रहा है हरियाणा के लोगों के लिए भी मिल रहा है और राजस्थान के भी लोगों को मिल रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ सतलज नदी पे बना गया था और इसी अब सतलज नदी और जहाँ ब्यास नदी आके मिलती है वहीं बनाया गया है इंदिरा गांधी राजस्थान नहर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है नीचे यहीं से क्या आ जाएगी यहाँ पे सतलज फिर आके यहीं पे ब्यास मिलती है और यहीं के क्षेत्रों पे क्या किया गया है इंदिरा गांधी पहले राजस्थान नहर नाम था उसका अब इंदिरा गांधी हो गया है यहीं से राजस्थान के क्षेत्रों में क्या किया गया है भेजा गया है जो राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचित भी करता है पे पदार्थ जल की उपलब्धता भी करवाता है सतलज ब्यास का जहाँ संगम हुआ है और जहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है उसका नाम है हरी के बराज इसका भी आप लोग डायग्राम के माध्यम से इसे आप देख सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है यही है क्या देखिए आप लोग एक तरीके से सतलज नदी आ रहा है इधर से और यहाँ से आ रहा है ब्यास नदी जहाँ दोनों का संगम हो रहा है यहीं पे हरी के डैम बनाया गया है और यहीं हरी के डैम से यहाँ पे एक साइड आप देख सकते हैं जो आ रहा है इसको राजस्थान के क्षेत्रों में भी क्या किया गया है लाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये राजस्थान का क्षेत्र है देखिए यहाँ पर लगा हुआ है तो इन क्षेत्रों को सिंचित करता है और इसकी जो मुख्य धारा होती है फिर जाके जो सिंध नदी में क्या होती है जाके मिल जाती है बिल्कुल आसान है थोड़ा सा आप कॉन्शस ब्रेन ब्रेन को आप एक्टिव रखिए ये हर एक चीज़ समझ में आएगा आप लोगों को तो इंदिरा गांधी अगर नहर की बात करें तो राजस्थान नहर भी है पंजाब सतलज ठीक है पंजाब में सतलज ब्यास का जहाँ संगम होता है यहीं पे हरी के डैम बनाया गया है अब ये जो ब्यास परियोजना है ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे बनाया गया है ठीक है संगम नहीं है यहाँ से जिसे सतला जा रहा है और यहाँ जो ब्यास मिल रहा है यही यहीं पे, ब्यास नदी पे, जिसको हम लोग पोंग डैम का भी हम लोगों ने नाम चर्चा किया हुआ था तो पोंग डैम ब्यास परियोजना पर बनाया गया है पोंग डैम नीचे आएंगे आप लोग इस क्षेत्रों में तो आपको रेणुका डैम मिल जाएगा ठीक है रेणुका मैंने बताया हुआ था कि रेणुका एक क्या थी महिला थी ऋषियों को ले जोड़ा जाता है कि सप्त ऋषि की कोई ऋषि थी नाम नहीं मिलता है सप्त ऋषि की जो एक पत्नी थी उसी की पत्नी का नाम क्या था रेणुका था और उसी के नाम पे तालाब भी बनाया गया था और तालाब नहीं था झील था और उसी के नाम पे यहाँ पे बांध भी बनाया गया है और इसको बनाया गया है दिल्ली पेयजल समस्या को दूर करने के लिए लेकिन अभी विवाद चल रही है वहाँ पे जो वन भूमि को लेके जो पर्यावरण वन मंत्रालय जो होता है उसके बीच भारत सरकार के बीच चल रहा है कि क्योंकि आसानी से यहीं है ना जो पर, पर्यावरण वन मंत्रालय है जंगल विभाग का जो ये सब डिपार्टमेंट है इतनी आसानी से लोग पारिस्थितिक तंत्र को बर्बाद होने नहीं देते हैं ठीक है तो कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है और यहीं जहाँ पे रेणुका बांध परियोजना है उसी के जस्ट पास ही में किसाऊ परियोजना है जिसे आप लोग को मैं इमेज से दिखा देता हूँ देख सकते हैं आप रेणका व किसाऊ परियोजना देखिए जस्ट यहीं पे बनाया गया है यमुना नदी ना की एक सहायक नदी आ रही है यहाँ पे ठीक है टोंस नदी पे इसको बनाया गया है आप देख सकते हैं किसाऊ है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को और देखिए सब क्षेत्र हथनी गुन बैरान हम लोगों ने सारा बेहद ही जब हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम देखा हुआ था यमुना का तो सारे चीज़ें जो हम लोगों ने व्याख्या किया हुआ था तो यही है उसके बाद से अगर हम लोग चलेंगे इधर चलते हम लोग हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा पंजाब हो गया अब उत्तराखंड क्षेत्रों की तरफ आएंगे तो यहाँ भी तीन इंपॉर्टेंट आपको बांध दिखाई देगा पहला तो है टिहरी परियोजना टिहरी परियोजना से हर कोई वाकिफ़ है अगर हम लोग टिहरी परियोजना को बात करें तो इस किस कहाँ पर बनाया गया है भाग भागीरथी नदी और जहाँ भिलांगना नदी का संगम हुआ है वहाँ पर बनाया गया है देखिए जब हम लोगों ने गंगा का अपवाह देखा हुआ था तो यहीं देखा था कि जब गंगोत्री से क्या निकल रही थी भागीरथी नदी निकल रही थी और इधर अलकनंदा नदी दोनों आगे क्या हो जाता था आगे मिल जाता था तो यहीं भागरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलंगना नदी ठीक है सहायक नदी है इसकी इन्हीं क्षेत्रों पे क्या किया गया है इसको बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना जो उत्तरखंड में स्थित है आप लोग ध्यान रखिएगा और विवाद की स्थिति यहाँ इसीलिए बनी हुई है कि टिहरी परियोजना की ऊँचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारत का जो क्षेत्र है ये फॉल्ट जोन है और इस फॉल्ट जोन में यहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है तो अब इतना ऊंचा जब बांध बनाया जाएगा तो भूमि में जो प्रेशर है जो फोर्स है एक जो दबाव की स्थिति है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और वहाँ के लोग इसीलिए इसका विद्रोह भी कर रहे हैं कि नहीं अब इस बांध को या तो ख़त्म करो या तो फिर इसकी ऊंचाई इतना ही रहने दो तो अभी भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है देखते हैं फाइनल डिसीजन इसका क्या आ रहा है तो टिहरी परियोजना को आप देख सकते हैं यहीं यह टिहरी परियोजना का क्षेत्र आप देख सकते हैं ठीक यही यह है यहीं यह भागरथी नदी देखिए और इधर से आ रहा है भिलंगना नदी यहीं पे बनाया गया है टिहरी बांध ठीक है टिहरी बांध के नीचे जस्ट यहाँ दो तीन बांध और बनाया गया है कोटेश्वर बांध पेनरास बांध ठीक है तो टिहरी सबसे फेमस है क्योंकि सब उसके क्या हैं भाग हैं जल प्रवाह को रोकने के लिए अब यहाँ आए सबसे मजबूत बनाया गया है इसकी ऊंचाई जितने अधिक रहेगी पानी अधिक छोड़ो फिर यहाँ रुकेगा अब इसकी भी ऊँचाई उठा दो पानी अधिक छोड़ो यहाँ रुकेगा ये यह बीच का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये ये मत सोचिए आप लोग ये छोटा छोटा क्षेत्र है और फिर इसका पानी जो आके अलकनंदा जो है अलकनंदा नदी है ऊपर भी ये कई जो धाम है रुद्रप्रयाग ठीक है देव प्रयाग देव प्रयाग तो नीचे आ जाएगा ठीक है जो भी नाम है ऊपर चार पांच नाम है आप लोग देखिएगा मैंने सब करा दिया है तो देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी और यहाँ से जो भागरथी नदी आके मिल के यहाँ के क्या बना, बना, बना बनाती थी देव प्रयाग बनाती थी यही है देव प्रयाग उसके बाद से फिर गंगा नदी का रूप हो जाता था जो ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रवेश करता था तो बिल्कुल क्लियर है ये सब आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे है देवसारी बांध परियोजना ये भी कहाँ है उत्तराखंड में है और नाम ही है उत्तराखंड देवों का स्थान इतने सारे धाम है उन्हीं के नाम पे देवसारी बांध परियोजना भी रखा गया है विवाद की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है और उसका कारण क्या है तो भू अब जो भी है ना यहाँ पे आपको तीन तीन डैम देख रहा है तीनों डैम कोई ऐसा डैम नहीं है जिसमें विवाद की स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी कारण यही है कि ऊंचाई होने की बात की जा रही है गंगा से जो नदी निकल रही है उसका जलस्तर आप लोग को रिलेट कर सकते हैं कि हिम के पिघलन से अब उसका जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जिससे नीचे बहाव तेज़ हो जा रहा है अब उसी बहाव को रोकने के लिए इस बांध को क्या करें और ऊंचाई करें और अधिक पानी इकट्ठा हो जाए यहाँ पे और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा इतने बड़े मात्रा में तो उस क्षेत्र पे पानी का दबाव बढ़ जाएगा डैम पे दबाव बढ़ जाएगा अगर भूकंप आया गलती से भी अगर वो डैम टूट गया तो आसपास का जो क्षेत्र है पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा नीचे आप देख सकते हैं पंचेश्वर परियोजनाओं को लागू किया गया नीचे जस्ट यहाँ पे है ये भारत और उत्तराखंड के क्षेत्रों के बीच की सीमाओं पर निर्मित है पंचवेश्वर पर परियोजना पहले आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ यही है पंचवेश्वर परियोजना देखिए इसको सरयू नदी पे जिसको हम लोग कौन सा नदी बोलते थे आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा सरयू नदी लिखा ही है यहाँ पर महाकाली नदी ठीक है तो यहीं पे था सरयू नदी पे देखिए यहाँ पे नीचे बनाया गया हुआ है तो इसमें पंचमेश्वर बहुउदेश्य परियोजना है देखिए यहाँ पे पंचमेश्वर बांध है यहाँ पे स्थलखंड बांध है पूर्वागिरी बांध टनकपुर बैराज नाम सुना होगा आप लोगों ने वनवासा बैराज तो जो ऊपर की जो प्रमुख है ना नीचे की तो उतना इम्पोर्टेंट इंप, नहीं है इसका जो हेड बांध है प्रमुख बांध है कौन है पंचमेश्वर बांध है इसी के जल बहाव को थोड़ा सा धीमा करने के लिए जगह जगह क्या किया गया है डैम बनाया गया है पांच डैम हैं जो भारत और नेपाल के सहयोग से इसको निर्मित किया जा रहा है ठीक है और हर एक डा हर एक डैम में मैंने शुरू ही मैंने बता दिया बार बार मैं इसको बोलना नहीं चाहूँगा कि डैम बनाने का सिर्फ और सिर्फ और एक मतलब नहीं है कि उसके बाढ़ से बचाना कृषि से युक्त करना विद्युत उत्पादन और भी जो उद्देश्य हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पीछे सरकार का एक तीर से सौ निशाना होता है फिर आएंगे आप इधर खास कर पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों में ठीक है बिहार में तो बिहार में यहाँ पे बनाया गया है गंडक परियोजना ठीक है ये एक ये भी डैम ही है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन की स्थिति यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है इसको पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इसको किया गया है गंडक परियोजना ठीक है तो ये भी भारत और नेपाल की सीमा पे ही बनाया गया है जिसमें बिहार का जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है वो लगता है फिर आप बिहार में एक और है अभी आप देख लीजिए यहाँ पे पता ही होगा आप लोगों को कोसी परियोजना इसका भी मैं आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ कोसी परियोजना ठीक है बिहार नेपाल के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण भी यहाँ किया जाता है बाढ़ नियंत्रण बहुत ज़रूरी है वहाँ पर कि यही नदी के माध्यम से आप लोग जैसे यहाँ पे इसकी भी आप इमेज दे सकते हैं कोसी परियोजना को लेके यहीं पे देखिए आयतकार मैंने बताया हुआ था कि कोसी का जो अपवाह मार्ग है क्या आयताकार है, है देखिए चौड़ाई इसकी इधर फैलते जा रही है लंबाई अधिक होते जा रही है और इसके क्षेत्रों में क्या किया गया नहरों को निकाला गया है और इन नहरों की आप सख्ए देख सकते हैं यही जो क्षेत्र है ठीक है जब डैम की जब स्थिति खराब हो जाती है तो पीछे के क्षेत्रों को बहुत ही है, समस्याएं आ जाती हैं तो कोसी बाढ़ नियंत्रण है ठीक है और भविष्य में इसका नेटवर्क जो स्थापित किया जा रहा है कि को अब कोसी परियोजनाओं से जो बिजली निर्मित किया जा रहा है बगल में ही आपको कोसी के इधर आपको मिल जाएगा दामोदर का क्षेत्र मिल जाएगा इन दोनों के बिजली उत्पादन जो किया जा रहा है इनको एक नेटवर्क में एक ग्रिड में जोड़ने की बात किया जा रहा है कि दोनों को क्या अगर एक नेटवर्क बना दें ठीक है कहीं अस्थाई पे चल गए तो भविष्य की बात है नीचे आएंगे आप लोग तो आप फरक्का डैम मिल जाएगा आप लोगों को फरक्का डैम पश्चिम बंगाल ठीक है गंगा नदी भी बनाया गया है जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल और जो भारत के जो बॉर्डर पर ही बनाया गया है इसका जो बनाया गया है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका जो विचार दिया था इस डैम को बनाने का आर्थर कॉटन ने दिया हुआ था जो एक साइंटिस्ट के तौर पे थे बंगाल की सीमा पे स्थित है और यहीं से एक बंगाल की शाखा सॉरी एक गंगा की शाखा कहाँ चली जाती है बांग्लादेश में जो किसके नाम से जानी जाती है पद्मा के नाम से जानी जाती है और एक शाखा आती है हुगली वाला क्षेत्र आता है ठीक है और इसी हुगली से ये दामोदर नदी जो निकल रही है इधर से जाके मिल जाता है ठीक है तो ये बांध परियोजना हो गया एक है यहाँ बुनाखा परियोजना ठीक है ये भारत और भूटान के सहयोग से इसको किया जा रहा है चूँकि भूटान में है और भूटान से भारत बिजली का जो आयात बहुत अधिक मात्रा में करता है तो भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है तो दोस्ती अच्छी खासी चलती है हम लोगों की नीचे आएंगे दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए तो दामोदर नदी मैंने अभी चर्चा किया था इसी को क्या बोलते हैं बिहार का शोक भी बोलते हैं सॉरी वे पश्चिम बंगाल का शोक भी बोलते हैं क्योंकि एक तो इधर से हुगली नदी और एक इधर से दामोदर नदी इसका जो अपवाह क्षेत्र है इतना अधिक हो जाता है कि दोनों नदियों में जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होती है इसीलिए इसे, इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को याद रखिएगा प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये ध्यान रखिएगा आप लोग भारत में पहली बार जो आज़ादी के बाद से जो परियोजना लाया गया वो यही था दमोदर घाटी परियोजना और इसी को संदर्भ में बहुत सारी परियोजनाओं को धीरे धीरे चलाया गया प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था और ये किसके संदर्भ में था यूएसए की देखिए यहाँ पे टेनेसी नदी घाटी परियोजना यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना एक संस्था है वो और वो संस्था क्या करती है कि पूरे यूएसए में जितनी भी नदियाँ है वहाँ पे बांध बना बना के बांध बना बना के बहुत सारे अपने गतिविधियों को चाहे वो आर्थिक के रूप में हो ठीक है चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो सबको क्रियान्वित करती है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्नीस में इनकी इसकी स्थापना की गई थी और अभी ये अमेरिका में जो डैम का जो काम करता है यही टेनेसी घाटी परियोजना ही करता है तो उसी के आधार पे भी भारत में किया गया दामोदर घाटी परियोजना और इसी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही और भी बहुत सारी पर परियोजनाओं को चलाया गया तो मैं आप लोगों को यहाँ फिगर दिखा देता हूँ ये है फरक्का बांध देख सकते हैं आप लोग यहीं पे आ रहा था गंगा नदी गंगा नदी का जो आ रहा था यहीं पे फरक्का डैम बनाया गया था इसको गंगा कपवा क्षेत्र में हम लोगों ने देखा हुआ था एक शाखा हुगली है दूसरी शाखा यहाँ कहाँ निकल जाती है देख सकते हैं यहाँ पे हाँ यहाँ बांग्लादेश में आ जा बांग्लादेश में आ रही है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है देखिए यहाँ पर और दूसरी आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी जो इसका नाम क्या हो जा रहा है जमुना हो जा रहा है गंगा नदी का नाम पद्मा हो जा रहा है दोनों मिल के नीचे मेघना बना लेता है ठीक है तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और नीचे से ये जो आ रहा है एक हुगली नदी पे ही यहाँ पर देखिए जो डैम बनाया गया है ठीक है यहीं यहीं पर कोलकाता भी है इधर से आएगा दामोदर नदी उसे भी हम लोग देख लेते हैं दामोदर नदी भी ऐसे देखिए आप समझ गए होंगे ठीक है यही है आपका देखिए यही, यहीं पे जो ब, ब, बनाया गया हुआ है एक डैम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है झारखंड के क्षेत्रों से होते हुए आ रहा है ठीक है और दामोदर नदी पे बनाया गया है और इसके बाद से हुगली नदी में मिल के जाके देखिए यहाँ पे कोलकाता का सीन दिखाई दे रहा है फाइनली ये आके कहाँ मिल जाती है हुगली नदी में आके मिल जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है तो इसे आप ध्यान रखिए बेहद ही आसान चीज़ है एक बार आप इसको अगर देख लेते हैं दोबारा उम्मीद बहुत कम है कि आप भूल जाएंगे तो अभी यहीं था उत्तर भारत की जितनी भी पर परियोजनाएँ थी आज हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया कल जो हम लोग इसी तरह से दक्षिण भारत की जितनी परियोजनाएँ हैं उसको देखेंगे और नदी जोड़ो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे देख सकते हैं आप लोग तो आज का लेक्चर इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं अगर आपको आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक रिकमेंड जो भी आपसे बनता है ज़रूर कीजिए इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर आए और मैं सोच रहा था कि करेंट अफेयर की मैं क्लास शुरू करूँ तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ कीजिए तो मैं ज़रूर ही करूँगा ठीक है फिर प्लीज़ हेल्प टू ईच अदर अधिक से अधिक लोगों तक इस लेक्चर को पहुँचाएँ बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है ताकि उन उनका भी कुछ पैसे बच जाए ठीक है फिर अपना ख्याल रखिए बाय टेक केयर जय हिंद